नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। भारत में अगर आप किसी युवा से ये पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, तो उसका बचपन में शायद यही जवाब हुआ करता होगा कि वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। जो दीवानगी हम भारत में देखते हैं वो शायद ही हमें क्रिकेट को लेकर किसी और देश में देखने को मिलती है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको शिव कुमार की बताने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 173 रन बनाया है T20 मैच में। रोमानिया और टर्की के अगेंस्ट ये मैच था। रोमानियन प्लेयर हैं, 2015 के बाद वो रोमानिया में शिफ्ट हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पेशे से तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और शौक के चलते वो खेला करते थे, वीकेंड्स पर खेला करते थे। और आज उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर दिया है। ये रिकॉर्ड पहले श्रीलंका के नाम पर था और 12 साल से उसी के नाम पर चलाया था, लेकिन आज शिवकुमार ने एक रिकॉर्ड अपने नाम पर, अपनी टीम के नाम पर दर्ज किया है, जो कि काफी इंस्पायरिंग है। जब उनसे पूछा गया, सवाल पूछे गए, तो उनके लिए काफी इमोशनल मोमेंट था ही। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और वीकेंड्स पर वो खेला करते थे। बेहतरीन परफॉर्मेंस था, उनके कोच उनसे काफ़ी खुश हैं। अंडर 15, अंडर 22 और अंडर 25 भी के टूर्नामेंट्स वो यहाँ पर खेल चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर बनाना अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हम भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस था, 173 रन बनाना T20 गेम में, 173 रन से हराना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा T20 के मैचेस में कितने रन बनते हो और दो टीम के बीच में कितना कम डिफरेंस होता है। रोमानिया और टर्की की बात की जाए तो ये दोनों टीम्स जो है अपने आप में इंटरनेशनल लेवल, क्रिकेट के इंटरनेशनल लेवल पर उतनी जानकार नहीं है, पर जिस तरह से ये प्रदर्शन रोमानिया की टीम ने कर दिखाया है वो बेहतरीन है। और शिव कुमार को एक बार फिर से वो क्रिकेट से जुड़ गए हैं, वीकेंड्स पर खेला करते थे, पर उनकी बचपन की यादें आज ताज़ा जरूर हो गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।